हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजय वाघ, लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आई वेलकम यू टू द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं आप सभी का फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ। आज हम यूनिट नंबर 1 जो कि है फॉर्मिंग प्रोसेसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यूनिट में हम फोर्जिंग प्रोसेस, रोलिंग प्रोसेस और एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्मिंग मींस कोई भी मेटल पीस को पर्टिकुलर शेप एंड साइज प्रोवाइड करना होता है, उसके लिए अलग अलग प्रोसेसेस का यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट विथ लेक्चर नंबर 1 एंड द टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू फोर्जिंग। लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस टॉपिक दैट इज फोर्जिंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर लर्नर्स विल बी एबल टू फर्स्ट वन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोर्जिंग, सेकंड वन एक्सप्लेन डिफरेंट फोर्जिंग मटेरियल्स, थर्ड वन एक्सप्लेन टूल एंड इक्विपमेंट यूज इन फोर्जिंग प्रोसेस, फोर्थ वन स्टेट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ फोर्जिंग। प्रोग्राम आउटकम अचीव थ्रू दिस टॉपिक दैट इज फोर्जिंग आर गिवन इन द टेबल लिस्टेड बिलो। फोर्जिंग एक मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस है जिसमें हीटेड या गर्म वर्कपीस को डिजायर्ड शेप एंड साइज में कन्वर्ट करते हैं बाय अप्लाइंग कॉम्प्रेसिव फोर्स थ्रू हैमर, ऑफसेटिंग मशीन और प्रेस मशीन से। अभी हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फोर्जिंग। फोर्जिंग में भी डिफाइन एज द मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस ऑफ मेटल्स इन विच डिजायर्ड शेप एंड साइज इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग कॉम्प्रेसिव फोर्स थ्रू हैमर, ऑफसेटिंग मशीन, प्रेस ऑन अ हीटेड मेटल। आप फिगर में देख सकते हो, यहां पे हीटेड वर्कपीस को कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाय मींस ऑफ अ हैमर। हैमर के थ्रू इसको कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टू गिव इट रिक्वायर्ड और डिजायर्ड शेप एंड साइज। नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हो, यहां पे प्रेस मशीन के थ्रू कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन अ हीटेड मेटल टू गिव इट रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। तो फोर्जिंग एक ऐसा मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस होता है जिसमें डिजायर्ड शेप एंड साइज हम वर्कपीस को दे सकते हैं बाय अप्लाइंग कॉम्प्रेसिव फोर्स और बीटिंग फोर्स अप्लाई बोल सकते हैं बाय मींस ऑफ अ हैमर, ऑफसेटिंग मशीन और प्रेस मशीन। फोर्जिंग मटेरियल्स ऑलमोस्ट और मेटल्स एंड अलॉयज कैन बी फोर्ज। ऑल मेटल्स को और अलॉयज को हम फोर्जिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से मटेरियल्स है जिसको हम फोर्जिंग कर सकते हैं। फेरस अलॉयज, फेरस मटेरियल को और फेरस अलॉयज को भी हम फोर्जिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन एल्यूमिनियम अलॉयज, एल्यूमिनियम मटेरियल एंड एल्यूमिनियम अलॉयज को भी फोर्जिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ब्रास एंड ब्रॉन्ज मटेरियल को भी फोर्जिंग कर सकते हैं। कॉपर अलॉयज, कॉपर अलॉयज को भी हम फोर्जिंग कर सकते हैं। टिटेनियम अलॉयज, टिटेनियम मटेरियल एंड टिटेनियम अलॉयज को भी फोर्जिंग कर सकते हैं। व्हाट हैपन्स इन फोर्जिंग, फोर्जिंग प्रोसेस में क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। फोर्जिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीटेड मेटल को कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं बाय मींस ऑफ हैमर, बाय मींस ऑफ अपसेटिंग मशीन और बाय मींस ऑफ प्रेस मशीन। इनिशियली जो मेटल के अंदर ग्रेन्स होते हैं वो कोर्स होते हैं, कोर्स मींस लार्जर साइज के होते हैं या मोटे होते हैं। तो फोर्जिंग प्रोसेस में हम मटेरियल और मेटल को कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके वजह से जो मेटल के अंदर जो ग्रेन्स रहते हैं वो क्या होते हैं, इलांगेटेड होते हैं एंड न्यू रिफाइंड ग्रेन्स कैन बी फॉर्म
बाय मीन्स ऑफ अ फोर्जिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो फोर्जिंग में जनरली क्या होता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करने के बाद हीटेड मेटल के ऊपर जो ओरिजिनल ग्रेन्स रहते हैं, इनिशियली जो ग्रेन्स रहते हैं, जो लार्जेस्ट साइज में रहते हैं, वो इलोंगेटेड होते हैं, और यहाँ पे जो मेटल के ऊपर पोरोसिटी रहता है, ब्लो होल्स होता है मेटल के ऊपर, वो लार्जली इलिमिनेट होते हैं, रिमूव होते हैं बाय मीन्स ऑफ अ फोर्जिंग प्रोसेस। व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिफाइंड ग्रेन्स और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें नए रिफाइंड ग्रेन्स और स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। हमको स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमने थर्ड सेम में पढ़ा है, जैसे कि FCC स्ट्रक्चर मींस फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, BCC मींस बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, SCP मींस हेक्सागोनल क्लोजली पैक स्ट्रक्चर। ऐसा प्रोसेस जिसमें नए रिफाइंड ग्रेन्स और स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। द टेम्परेचर एट विच दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर पे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। डिफरेंट मेटल्स के लिए अलग अलग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। हॉट वर्किंग और हॉट फोर्जिंग प्रोसेस इन विच मेटल इज हीटेड अबोव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आर एज फॉलोज। हॉट वर्किंग प्रोसेस में मेटल को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के अबोव हीट करते हैं, ऐसे प्रोसेस है। पहला है हॉट वर्किंग, दूसरा है हॉट रोलिंग, तीसरा है हॉट एक्सट्रूजन, और चौथा है हॉट ड्राइंग प्रोसेस। कोल्ड वर्किंग और कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस इन विच मेटल इज हीटेड बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आर एज फॉलोज। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में और कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस में मेटल को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे बिलो हीट करते हैं, ऐसे प्रोसेस है। पहला है ड्राइंग प्रोसेस, दूसरा है शेयरिंग, शेयरिंग मीन्स मेटल को कट करते हैं, स्क्वीजिंग मीन्स मेटल को प्रेस करते हैं, एक्सट्रूजन मीन्स एक्सट्रूजन प्रोसेस के थ्रू मेटल को एक्सट्रूड करते हैं, और बेंडिंग प्रोसेस। तो ऐसे प्रोसेस आते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में, और ए प्रोसेस आते हैं हॉट वर्किंग और हॉट फोर्जिंग प्रोसेस में। तो हॉट वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, जहां पे मटेरियल को हीट करते हैं अबोव इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं हॉट वर्किंग और हॉट फोर्जिंग प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जहां पे मटेरियल को हीट करते बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं कोल्ड वर्किंग एंड कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फोर्जिंग टेम्परेचर रहता है। ये जो टेबल में दिया है, यहाँ पे हमें डिफरेंट मेटल्स एंड इसके अलॉय दिए हैं, इसका हमको यहाँ पे दिया है डिफरेंट फोर्जिंग टेम्परेचर्स। जैसे माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील का जो फोर्जिंग टेम्परेचर रहता है वो इन द रेंज रहता है 750 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अबो 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर माइल्ड स्टील का टेम्परेचर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं हॉट फोर्जिंग और हॉट वर्किंग। अगर 750 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है टेम्परेचर, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड वर्किंग और कोल्ड फोर्जिंग। वैसे डिफरेंट मेटल्स एंड उसके अलॉय के टेम्परेचर यहाँ पे दिए है। सेकंड है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील का फोर्जिंग टेम्परेचर इन द रेंज रहता है 760 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1220 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई कार्बन स्टील का जो फोर्जिंग टेम्परेचर रहता है इन द रेंज रहता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेनलेस स्टील का फोर्जिंग टेम्परेचर रहता है 950 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर मटेरियल का जो रहता है फोर्जिंग टेम्परेचर वो रहता है 620 डिग्री सेंटीग्रेड टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड एल्यूमिनियम मटेरियल का फोर्जिंग टेम्परेचर रहता है 360 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो रेंज रहता है इन बिटवीन द 360 टू, एल्यूमिनियम के लिए अगर सपोज अपन कंसिडर करते हैं तो 360 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम बोलते हैं हॉट फोर्जिंग और हॉट वर्किंग। और बिलो दैट 360 से नीचे अगर टेम्परेचर रहता है एल्यूमिनियम का, तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड वर्किंग और कोल्ड फोर्जिंग। फोर्जिंग
टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अभी हम देखते हैं फोर्जिंग शॉप में कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट का यूज होता है। तो सबसे पहला इक्विपमेंट है फर्नेस। फर्नेस इज यूज इन हॉट फोर्जिंग फॉर हीटिंग द वर्कपीस मटेरियल टू रेड हॉट कंडीशन। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो ये फर्नेस है। यहाँ पे मटेरियल को, जो भी वर्कपीस मटेरियल है, उसको हीट करते हैं। ये जो फर्नेस है ये ऑयल फायर्ड फर्नेस है। सेकंड वन है स्मिथी फर्नेस। ये जो फर्नेस है ये स्मिथी शॉप में फर्नेस यूज करते हैं। ये फर्नेस रहता है कोक और कोल फायर फर्नेस है। तो इसमें फर्नेस के अंदर हम वर्कपीस को हीट करते हैं अप टू रेड हॉट कंडीशन तक। सेकंड टूल्स है एनविल। एनविल इज एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर फोर्जिंग वर्क। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो दिस इज अ एनविल। ये जो सरफेस है फ्लैट सरफेस है, ये एनविल का फ्लैट सरफेस है। इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अ एनविल। यहाँ पे अगर आपको सर्कुलर शेप प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे हम दे सकते हैं एनविल के सरफेस के ऊपर वर्कपीस को रखा जाता है और उसको कंटिन्यूसली ब्लो करते हो और हैमरिंग करते हैं वर्कपीस को डिजायर्ड शेप एंड साइज देने के लिए। नेक्स्ट वन इज स्वेज ब्लॉक। स्वेज ब्लॉक इज यूज फॉर साइजिंग स्क्वेयरिंग एंड बेंडिंग ऑफ अ वर्कपीस। यहाँ पे आप देख सकते हो स्वेज ब्लॉक का फिगर। स्वेज ब्लॉक में ये स्क्वेयर ब्लॉक रहता है जिसके अंदर वेरियस शेप्स आर प्रोवाइड। जैसे यहाँ पे हाफ कर्व कर्व प्रोवाइड किया है, यहाँ पे स्क्वेयर प्रोवाइड किया है, सर्कुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अलग अलग शेप प्रोवाइड करते हैं। इट इज अ मेड ऑफ अ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का बना रहता है। तो यहाँ पे वर्कपीस को रखते हैं, हॉट वर्कपीस को रखते हैं और उसको पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करते हैं। जो अपने को डिजायर्ड है और रिक्वायर्ड शेप है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ स्वेज ब्लॉक। सपोज हम एक हाफ कर्व प्रोवाइड करना है वर्कपीस को, तो यहाँ पे रखेंगे और उसको हैमरिंग करेंगे। सपोज स्क्वेयर शेप फॉर्म करना है तो स्क्वेयर भी बना सकते हैं, सर्कुलर शेप प्रोवाइड कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ स्वेज ब्लॉक। नेक्स्ट टूल्स है हैमर। हैमर इज यूज फॉर हैंड फोर्जिंग। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो हैमर। हैमर का यूज वर्कपीस को कंटिन्यूसली ब्लो करने के लिए या हैमरिंग करने के लिए करते हैं। यह है स्लेज हैमर। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैमर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैमर का यूज होता हैमरिंग करने के लिए, बीटिंग करने के लिए, वर्कपीस को, हॉट मेटल को बीट करने के लिए हैमर का यूज करते हैं। तो इसके यहाँ पे वर्कपीस का डिफॉर्मेशन होता है, इलोंगेशन होता है और पर्टिकुलर शेप एंड साइज हम वर्कपीस को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज टोंग्स, यूज फॉर होल्डिंग हॉट वर्कपीस। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो दिस इज अ टोंग। टोंग ऐसा टूल है जिससे हम जो स्मिथी शॉप में वर्कपीस को हम फर्नेस के अंदर हीट करते हैं उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए टोंग का यूज करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये डिफरेंट शेप के टोंग्स है। सर्कुलर वर्कपीस को पकड़ने के लिए ये टोंग का यूज होता है। नेक्स्ट वन इज फुलर्स। फुलर्स आर यूज फॉर नेकिंग डाउन और टू फॉर डिप्रेशंस और टू स्प्रेड मेटल। यहाँ पे आप फुलर्स का फिगर देख सकते हो। फुलर्स का यूज करते हैं, ये टॉप फुलर है और ये दिस वन इज अ बॉटम फुलर। ये बॉटम फुलर जो एनविल है हमारा उसके डाय होल में फिट करते हैं और टॉप फुलर के ऊपर वर्कपीस को रखते हैं, उसके ऊपर टॉप फुलर रखा जाता है और यहां से हैमरिंग करते हैं। तो थिकनेस रिड्यूस करने के लिए जनरली फुलर्स का यूज करते हैं। जो आपको लेंथ बढ़ाना है और उसका थिकनेस कम करना है तो इन दैट केस फुलर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ पंच। यहां पे आप फिगर में देख सकते हो दिस आर द डिफरेंट शेप एंड साइज के पंच है जो कि फोर्जिंग शॉप में यूज करते हैं। यह है सेंटर पंच। सेंटर पंच का यूज वर्कपीस का सेंटर मार्क करने के लिए करते हैं फोर्जिंग शॉप में। यहाँ पे हमें मार्क करना है वर्कपीस के ऊपर या होल प्रोड्यूस करना है तो इन दैट केस ये पंच का यूज करते हैं फोर्जिंग शॉप में। नेक्स्ट वन इज चिजल्स। आप फिगर में देख सकते हो दिस आर द डिफरेंट शेप एंड साइज के चिजल्स यूज करते हैं फोर्जिंग शॉप में। तो चिजल
एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं फोर्जिंग शॉप में, उसको हम बोलते हैं ट्रिमिंग ऑपरेशन। एक्सेस मटेरियल जो रहता है फिन्स वगैरह रहता है वर्कपीस को, उसको निकालने के लिए चिजल का यूज करते हैं। जॉब ऑफ फोर्जिंग शॉप, अभी हम देखते हैं फोर्जिंग शॉप में कौन कौन से कंपोनेंट और कौन कौन से जॉब प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर बाय हॉट फोर्जिंग, स्क्रू ड्राइवर हो गया, हार्डवेयर मटेरियल्स हो गया, वर्कशॉप के टूल्स एंड इक्विपमेंट हो गया, वो भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फोर्जिंग शॉप में। यस हुक हो गया, जे हुक हो गया, एल हुक हो गया, ये भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इन स्मिथ शॉप में। तो यस हुक बनाने के लिए सबसे पहले सर्कुलर वर्कपीस लेना पड़ेगा, उसको फर्नेस के अंदर हीट करते हैं और बाद में उसको एनविल के ऊपर रखते हैं, सरफेस एनविल के सरफेस के ऊपर रखते हैं, उसको हैमरिंग करते हैं, नंबर ऑफ ब्लोस हैमरिंग करते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड होता है, जैसे कि यस हुक बना सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट और डिफरेंट जॉब्स हम बना सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ फोर्जिंग प्रोसेस। एडवांटेजेस ऑफ फोर्जिंग, फर्स्ट वन इज रेट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है फोर्जिंग प्रोसेस में। सेकंड वन इज स्मूथ सरफेस फिनिश और बेटर सरफेस फिनिश, कंपोनेंट के ऊपर सरफेस हम फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ फोर्जिंग प्रोसेस। थर्ड वन इज फोर्जिंग कंपोनेंट्स आर इजीली वेल्डेड, जो भी फोर्जिंग कंपोनेंट्स है उसको हम आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पोरोसिटी, वॉइड्स एंड ग्लो होल्स इन द मेटल आर लार्जली इलिमिनेटेड, जो मेटल कंपोनेंट के ऊपर पोरोसिटी रहता है या ग्लो होल्स रहते हैं, बारीक बारीक होल्स रहते हैं, वो हम इलिमिनेट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ फोर्जिंग प्रोसेस। और होमोजीनियस स्ट्रक्चर और होमोजीनियस कंपोनेंट फॉर्म कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अ फोर्जिंग प्रोसेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्जिंग, फर्स्ट वन इज हाई टूल कॉस्ट, जो इक्विपमेंट एंड टूल्स यूज होता है फोर्जिंग शॉप में उसका कॉस्ट जो रहता है वो बहुत ज्यादा होता है। सेकंड वन इज हाई टूल मेंटेनेंस, जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट हम फोर्जिंग शॉप में यूज करते हैं उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा या हाई होता है। थर्ड वन इज लिमिटेशन इन साइज एंड शेप, जो भी कंपोनेंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस उसमें कुछ लिमिटेशन होता है इन द शेप एंड साइज में। एप्लीकेशंस ऑफ फोर्जिंग, फर्स्ट वन इज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल एंड ट्रक बॉडी पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, उसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो जनरली फोर्ज होते हैं। ट्रक बॉडी पार्ट्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी फोर्ज होते हैं। ट्रैक्टर्स में जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं हम बनाने के लिए वो भी फोर्ज कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर मेकिंग एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर यानी खेती के जो औजार रहते हैं मशीनरी रहता है वो भी फोर्ज कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर मेकिंग हैंड टूल्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हैंड टूल्स मीन्स जो वर्कशॉप में हम हैंड टूल्स यूज करते हैं, बेंच वाइस हो गया, फाइल्स हो गया, प्लायर्स हो गया, या हार्डवेयर कंपोनेंट नेल्स हो गया, व्रेंचेस हो गया, स्पैनर्स हो गया, वो भी कंपोनेंट फोर्ज कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर मेकिंग रेल रोड कंपोनेंट्स, रेल रोड कंपोनेंट्स भी फोर्ज कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर मेकिंग जनरल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, जो जनरली इंडस्ट्री में इक्विपमेंट्स या मशीनरी यूज होता है वो भी फोर्ज कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर मेकिंग एरोस्पेस इक्विपमेंट, एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए वो भी फोर्ज कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर मेकिंग शाफ्ट्स एंड बेयरिंग्स, जनरली शाफ्ट्स हो गया, बेयरिंग्स हो गया, ये भी फोर्ज उनको फोर्ज करना पड़ता है या फोर्जिंग करना पड़ता है। एप्लीकेशंस ऑफ फोर्जिंग इंक्लूड्स बोल्ट्स, डिस्क, गियर्स, टर्बाइन डिस्क, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, वॉल बॉडीज, स्मॉल कंपोनेंट्स फॉर हाइड्रोलिक सर्किट्स, ये कंपोनेंट्स को भी हम फोर्ज करते हैं। दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट कैन बी फोर्ज, ये कंपोनेंट्स को हम फोर्ज करते हैं। स्पैनर्स हो गया, डिस्क हो गया, गियर्स हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड, इसको भी हम फोर्ज करते हैं, फोर्जिंग करते हैं। दिस वन इज अ डिस्क एंड दिस वन इज अ कंपोनेंट,
ट्रक बॉडी कंपोनेंट्स है इसको भी हम फोर्ज करते हैं। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले फोर्जिंग का डेफिनेशन देखा था, फोर्जिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने वेरियस फोर्जिंग मटेरियल्स एंड फोर्जिंग टूल्स के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से मटेरियल्स होता है जिसको हम फोर्ज कर सकते हैं, मेटल्स कौन से है, उसके अलॉयज कौन से, और वेरियस फोर्जिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट जो फोर्जिंग शॉप में यूज होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। उसके बाद हमने एडवांटेजेस ऑफ फोर्जिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्जिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ फोर्जिंग के बारे में डिस्कस किया था। यूनिट आउटकम अचीव थ्रू दिस टॉपिक आर सिलेक्ट द रिलेवेंट फॉर्मिंग प्रोसेस फॉर द गिवन कंपोनेंट विद जस्टिफिकेशन। प्रोग्राम आउटकम अचीव थ्रू दिस टॉपिक आर गिवन इन द टेबल लिस्टेड बिलो। मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस आस्क इन एमएसबीटी एग्जामिनेशन आर, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फोर्जिंग, सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट वेरियस फोर्जिंग मटेरियल्स, थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट वेरियस फोर्जिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्जिंग, फिफ्थ क्वेश्चन इज स्टेट एप्लीकेशंस ऑफ फोर्जिंग। ये पांच क्वेश्चन आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना है और उसके प्रॉपर आंसर लिखना है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द राइटिंग ऑफ आंसर देन प्लीज कॉल मी। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। इन नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 2, उसमें हम टाइप्स ऑफ फोर्जिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।